Pranav sir class is quite nice. Pranav sir class is quite nice. Yesterday also Narendra sir class was quite good. Ji. Actually, I want to ask one question regarding the Sanskrit learning. Is it the is this will be will this be arranged by the Bhishma school or? No, sir. One of our members, she is a Sanskrit teacher, and then she had expressed her interest in sharing the news. Okay. So actually, I want to know the timings of the classes. Today she said it is from 1:30. Praveen ji, Rajgaura ji, Alpana ji, Ram ji, and Satvi ji. आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्ते अंशु जी. नमस्ते नमस्ते. Let us all what you call switch on the videos for a second. सब लोग अपना कैमरा चालू कर सकते हैं. मेरी कक्षा काफी उन्मुक्त कक्षा होती है, तो जिसको जो करना है आराम से कर सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं. तो मैं एक छोटा सा पेज खोल देता हूँ यहाँ पे, तो आप लोगों को दिखेगा. वैसे वो मैंने सुबह भी भेजा था, वही चीज है. ठीक है, तो अभी आपको मेरे स्क्रीन पे शायद दिख रहा होगा. मैं शेयर भी कर देता हूँ तो सबको समझ में आ जाएगा, और यदि इंग्लिश में किसी को देखना है तो इंग्लिश में भी मैं दिखा देता हूँ, ये जिसको भी जैसे समझना है. तो हम लोग संस्कृत क्लासेस कंडक्ट करते हैं फॉर कॉन्वर्जेशनल संस्कृत. तो यदि आप जैसे आज की कक्षा होगी 4 बजे शाम को होगी, और फिर कल 4 बजे शाम को भी होगी, और फिर कल रविवार को शाम को 7 बजे भी होगी. तो जिसको जिस कक्षा में ज्वाइन करना है, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा जिसको भी उत्सुकता है. तो फिर होता क्या है कि हम लोग बोल चाल की संस्कृत सीखते हैं, और साथ में लिखना पढ़ना सब कुछ सीखते हैं, मतलब उच्चारण भी. तो किसी भी कक्षा में यदि आप आएंगे, यदि आज आप शाम के 4 बजे वाली में भी आए, तो उतने 1 घंटे के अंदर आप लोग कम से कम 5-10 अलग अलग वाक्य अभ्यास करके जाएंगे. तो तुरंत आप अपने घर पे या अपने मित्रों से या बच्चों से किसी से भी तुरंत उतनी चीजों पे संस्कृत में बात कर सकते हैं आराम से. तो ऐसी चीजें मैं सिखाता हूँ जो कि हमको अभी के अभी जरूरत पड़े. जैसे मुझे बोलना है कि दरवाजा खोल दो, या खिड़की बंद कर दो, या मुझे पानी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना है, तो ऐसी चीजें हम कैसे बोलें. तो और धीरे धीरे हम एडवांस लेवल्स पे जाएंगे, पर कक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप लोगों को, या आप लोगों को ही नहीं, किसी को भी, बड़ा हो चाहे बच्चा हो, जो भी अभी के अभी या आम चीजें बोलने का, सुनने का, समझने का मन हो, तो वो कैसे किया जाए. और फिर धीरे धीरे इसमें ऐसा होता है कि हम लोग बीच बीच में उपनिषदों के, वेदों के मंत्र भी लाते हैं, जो काफी सारे प्रचलित सुभाषित हैं उनको भी सीखते हैं. हमारा एक स्पेशल बैच भी होता है जो बच्चों या बड़ों, किसी को भी हकलाहट होती है, एनीबडी हु हैज स्टैमरिंग इन देयर वॉइस, तो संस्कृत से कुछ स्पेसिफिक श्लोक हैं जो हम मैंने डिजाइन किए हैं, तो उससे वो स्टैमरिंग भी बिल्कुल कम हो जाती है, लोगों की भाग जाती है, तो वो भी एक चीज है. पर आपको यदि किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं. और इसमें आपको पेज पे दिख रहा होगा यहाँ पे गुरु दक्षिणा के बारे में भी लिखा है, तो मैं कभी किसी से कोई दक्षिणा मांगता नहीं हूँ.
जिसकी जैसी श्रद्धा हो, जब आपका मन हो, जब आपको लगे, जिसको जो करना है वो कर सकता है। मैं कभी भी बात नहीं करता हूँ रुपए पैसे की। सर इसका क्लासेस जो है ओनली सैटरडे संडे होगा या हर दिन होगा? शनिवार रविवार को अभी तक ऐसे लोग ही ज्यादातर मिले हैं हमको जो काम करते हैं कहीं और, तो उनको शनिवार रविवार को समय मिलता है, तो हम शनिवार रविवार को ही करते हैं। बाकी और किसी दिन में यदि आपको उत्सुकता है और दो चार लोग हो जाते हैं तो हम बाकी दिनों में भी शाम को 6:30 बजे चालू कर सकते हैं। तो जी 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 सर, अगर सैटरडे संडे होगा, सपोज आपने 10 क्लास बोला तो 10 सैटरडे संडे में हम ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो थोड़ा सा कर्मरत रहते हैं दिन में, अदर डेज वीकली, तो सैटरडे संडे अच्छा होगा। बट ये जो 10 क्लासेस होगा, एक अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो 10 सैटरडे संडे में ये कम्प्लीट हो सकता है? 10 मैंने सिर्फ हाँ वो इंट्रोडक्शन के लिए समझ लीजिए लिखा हुआ है, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि 10 सेशन में यदि आप आ गए तो आप एक अच्छी खासी संस्कृत बेसिक एक मूल स्तर की संस्कृत बोलने लगेंगे। पर हमारी कक्षा जो है ये फॉरएवर है, ये कभी खत्म नहीं होती। तो आपको मतलब अभी जो पिछले बैचेस चल रहे हैं वो 1.5 साल से चल रहे हैं और हम लोग काफी अलग अलग लेवल्स पे पहुंच चुके हैं। तो अभी जैसे ये नया बैच चालू होगा तो उसमें भी वैसे ही होगा आपकी, और ऐसा होता है कि हर कक्षा रिकॉर्ड होती है और हम अगले 1-2 दिन के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप और टेलीग्राम इस तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं तो ग्रुप में रिकॉर्डिंग भी डाल देते हैं और एक पूरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो जैसे आप जिस भी ग्रुप में शामिल होंगे उसकी पहले दिन से कौन कौन सी कक्षा में क्या क्या हुआ है वो सारी रिकॉर्डिंग्स भी आपको वो पूरे प्लेलिस्ट में लाइन से उसी क्रम में मिल जाएंगे। तो किसी को यदि वैसा इंटरेस्ट हो पुरानी कक्षाओं में क्या क्या हुआ है तो वो आप आज भी देख सकते हैं जब भी मैं आपको ग्रुप। लेकिन सर ये जो कक्षा अभी शुरू होगा क्या पहले शुरू हो चुका है सर? नहीं, कक्षा हम लोग अलग से शुरू करेंगे, पर मैं ये बता रहा हूँ कि जो दूसरे बैचेस भी चल रहे हैं ना उनमें भी किसी किसी में जैसे 4-5 क्लास ही हुई है, किसी में 2 ही क्लास हुई, किसी में 40-50 क्लास हो गई। तो जिनमें कम हुई है मैं उनके भी लिंक्स शेयर कर सकता हूँ ताकि जो भी सीख रहे हैं वो पहले का यदि देखना चाहें कि क्या हुआ था कैसे हुआ था तो वो भी मिल जाएगा। सर अगर हाँ बोलिए। सॉरी सर, कैन आई आस्क समथिंग? हाँ, पहले तो मुझे सर मत बोलिए, आप मुझे आचार्य कह सकते हैं। ओके आचार्य जी, मैं प्रवीण हूँ, प्रवीण राय। एक्चुअली मुझे लाइक अगर हिंदी में फ्लुएंट नहीं है तो फिर कोई अंतर नहीं, मतलब मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में करता हूँ। जिसको जैसा प्रश्न है कक्षा के दौरान आप पूछ सकते हैं। Why I'm asking, because actually my husband is interested to learn Sanskrit and he is from Kerala, so his Hindi is like bit very rough kind of, you know, it's not no problem that, we use both Hindi aapke. And English in the class if needed. So most students are like one from Texas, one from New York, one from Hyderabad, one from Bengaluru, one from Delhi, so people are from everywhere. Some people ask for English sometimes and most of them are aware of Hindi, and slowly every language is like that. As we get along we'll get more. So I am just say last time I class in kiya tha, so the teacher used to teach like alphabet, like Hindi ka k kh ga pehle bolti ki pehle aapko k kh ga janna zaruri hai, that swar and vyanjan kind of. Devanagari to seekhna hi padega. Ha, देवनागरी तो लगेगी, अच्छा, मतलब क्योंकि संस्कृत की मेन स्क्रिप्ट ही देवनागरी है ना, जो हिंदी मराठी गुजराती बहुत सारी भाषाओं में यूज होती है, वो हिंदी मराठी गुजराती मारवाड़ी कई सारी भाषाओं में देवनागरी ही होती है और बेसिक संस्कृत की भी वही भाषा है। तो हम लोग वहां से शुरू करते हैं, आपको धीरे धीरे आदत होगी। देखिए कोई भी भाषा को सीखने में, हम लोग अंग्रेजी भी पहले दिन से सीख के आए नहीं थे, 12-15 साल 20 years we have been maybe whatever number of years we have been using it in work, at work or with some other people, and that is how we get better. So Sanskrit maybe, so you are saying if he doesn't know Hindi or swar and vyanjan, still joining these classes will help him to get through exactly this language.
See, I am bringing you up in Sanskrit. I am bringing you up in Sanskrit. So I am not expecting you to know anything. So we will start with swar, vyanjan, everything. And you get about a week in between. So you have a time to practice. Whenever you want, you can again look at the class recording or do it yourself. So it's fine. Matlab, that's not a problem. Whether you are only or you are more understanding in English, we can use English. That's not a problem. So do not worry about language. Okay. सर और भी सर एक क्वेश्चन है सर. हाँ बोलिए. आचार्य जी इसमें एक और एक प्रश्न है. इसमें क्या हमारा बैकग्राउंड भी देखा जाएगा? सब सब कॉन्वर्जेशनल संस्कृत का मतलब ही है कि हम पहले तो वो बातें करेंगे जिनकी हमको आवश्यकता है और साथ साथ में हम व्याकरण भी जिसकी जब जरूरत पड़ती है. जैसे मैं पहले दिन से हम भूतकाल या भविष्यकाल फ्यूचर या पास्ट की बातें हम तुरंत नहीं करेंगे. हम पहले वर्तमान काल जो अभी चल रहा है उनको सीखेंगे. वो मेरा एक तरीका है, वो मैंने सोचा हुआ है, आप उसकी चिंता मत कीजिए. पर संस्कृत में हर चीज हम सीखने वाले हैं. हम लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना सब सीखेंगे. जी, जी, जी. धातु और शब्द जो हम पढ़े थे उसी को भी दोहराना पड़ेगा. हाँ, पर आपकी आपको इतनी चिंता की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम वो सीखते हैं जिसकी हमको आवश्यकता है. तो मैं आपको ऐसे किसी दिन शायद नहीं पढ़ाऊंगा कि आज हम धातु सीखेंगे, इसलिए नहीं. हमको जब वाक्य में उपयोग करने के लिए कोई चीज आएगी, जब मुझे लगेगा कि हाँ अब धातु बतानी जरूरी है, तो उस दिन हम धातु सीखेंगे ताकि आपको उसका रेलेवेंस पता हो. हम जस्ट बिकॉज ग्रामर की बुक में लिखा हुआ है, जस्ट बिकॉज इट इज रिटन इन द बुक्स और ग्रामर, that doesn't mean I will tell you that right away. So I have a natural style of teaching, which means क्योंकि मैं almost 15-20 साल से पढ़ा रहा हूँ अलग अलग चीजें लोगों को. तो मैं ह्यूमन साइकोलॉजी एंड लर्निंग साइकोलॉजी, किस स्पीड से किस तरह से लोग सीखते हैं वो भी मैं समझता हूँ. तो we are not learning bookish Sanskrit, we are learning what is necessary today, what is necessary at your home, what is necessary at my home, or what is necessary with my friends. मुझे अपने दोस्तों के साथ, मुझे अपने परिवार वालों के साथ बोलने के लिए जो जो चीजें आवश्यकता पड़ती है हम वो सीखते हैं संस्कृत में. तो और बाकी चीजें फिर हम धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगती है. फिर धीरे आपको जैसे जैसे उत्सुकता बढ़ेगी ना, आप खुद ही ढूंढ ढूंढ के लाएंगे कि हम इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा. फिर वो कक्षा, अरे हमारी कक्षा में हम नए नए शब्द बनाते हैं, तो कुछ कुछ शब्दों के मतलब कुछ कुछ चीजों के लिए शब्द होते ही नहीं दुनिया में, मतलब संस्कृत में नहीं है, बिकॉज वो चीजें संस्कृत जब बनी थी तब नहीं थे. फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्डिंग, यू डोंट हैव अ वर्ड फॉर रिकॉर्डिंग इन द ओरिजिनल लिटरेरी संस्कृत, बट वी हैव क्रिएटेड अ वर्ड कॉल्ड चलचित्र संरक्षणम, तो दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग. तो अब हम उसको ऑलमोस्ट एक साल से उपयोग भी कर रहे हैं और अब बहुत सारे लोगों को समझ में आने लगा है वो शब्द. क्यों, और कोई भी भाषा ऐसे ही बढ़ती है. When you create more words, when you create things in a language, that is how it improves. जी जी जी. तो बहुत मजेदार है. बोलिए और भी कोई प्रश्न है किसी का? ये जो गुरु दक्षिणा है, ये किस मोड में पेमेंट करनी है? अगर आज का 4 बजे का क्लास ज्वाइन करना है तो मैं आपको लिंक्स भेज दूंगा. जिसको भी उत्सुकता है मुझे बस एक मैसेज अपने ग्रुप में वहां पे भी भेज सकते हैं. और वैसे इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. तो मैंने लिंक जो सुबह भेजी थी ना, उसमें भी इनके स्क्रीनशॉट्स हैं. तो उसमें एक रेजर पे की लिंक भी है. तो रेजर पे में वो बैंक, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट, जो भी चाहे आप सब यूज कर सकते हैं, वो अलाउ करता है. बाकी यहाँ पे एक दो लिंक और भी हैं, वो UPI का स्क्रीनशॉट भी है, तो उससे भी कर सकते हैं. जिसको भी आपके मोड से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आप एक सत्र कितने, एक सत्र कितने कितने देर का होगा? 40 मिनट का जूम के रिक्वायर नहीं. जूम, हाँ जूम टर्मिनेट जरूर कर देता है, पर हम लगभग 1.25 घंटा तक जाते हैं. हमारी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि मैं अभी के अभी ऐसे भाग जाऊंगा. जो भी टॉपिक चल रहा है हम लोग पूरी तरह संतुष्टि से उसको समाप्त करते हैं. तो लगभग 1 घंटा 5-10 मिनट 15 मिनट, जब जैसा थोड़ा आगे पीछे होता है, 1 hour 10-15 minutes. Mostly it is 1 hour.
तो आपको यहाँ पोस्टर में भी दिखेगा कि 1 घंटा प्रति सत्र। ठीक है जी। जूम में डिस्कनेक्ट होता है तो वी रिकनेक्ट अगेन, एवरीबॉडी जस्ट कॉल्स अगेन, तो कनेक्ट हो जाता है फिर से। चलेगा, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू चेंज अवर प्लेटफॉर्म वेरी सून फ्रॉम जूम टू सम इंडियन प्लेटफॉर्म। तो अभी हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, वो जियो मीट करके एक और प्लेटफॉर्म है जो जियो ने बनाया है रिलायंस ने, तो वो भी अच्छा है, तो उसको भी यूज करेंगे बाद में, देखेंगे। अभी आत्मनिर्भर, सब चीजों में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, तो धीरे धीरे सारे भारतीय प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, ऑल द इंडियन प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, आप लिंक भेज दीजिए, उसको ज्वाइन करने में इच्छुक हूँ मैं तो। हाँ, तो मैं भी सर इच्छुक हूँ। हाँ, तो आप एक मिनट में यहाँ पे चैट में ना आप नाम लिखते जाइए अपने अपने, एक मिनट चैट के लिए बस नाम लिख दीजिए, तो मैं वहां से ले लूंगा। प्रवीण राय जी है ना, और कौन, राम अवस्थी जी, अल्पना त्रिवेदी, अल्पना त्रिवेदी जी, मिश्रा जी, डी एस मिश्रा जी, फिर कौन है, श्री ललित जी तो प्रबंधक हैं, तो फिर भी हो सकता है उनको भी सीखने का मन। श्री ललित जी, सुदीप जी, सात्वी जी, किरण जी, और एक अननोन जी भी हैं, अननोन जी का नहीं पता, ठीक है, शायद आप लोगों ने अपने नाम लिख दिए पहले से ही, लेता हूँ। ठीक है, तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा लिंक, जो भी ज्वाइन करना चाहे कर सकता है, और बस फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है जी, अच्छा, और भी किसी को इंटरेस्ट है तो आप बुला सकते हैं, क्योंकि हमारी कक्षाएं ऐसी है कि जीवन भर चलती रही, मतलब ये चलती ही जाएंगी, क्योंकि संस्कृत एक समुंदर है और हम इसको एक भाषा की तरह नहीं सीखते, क्योंकि संस्कृत हमारी संस्कृति भी है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो अभी जैसे हम उपनिषद पढ़ रहे हैं, उसी में कितनी सारी संस्कृत उपयोग होती है, हर जगह वेदों में संस्कृत, उपनिषदों में संस्कृत, रामायण में संस्कृत, महाभारत में संस्कृत, तो आता रहेगा, तो धीरे धीरे हम उसको बढ़ाते जा रहे हैं। सर, कोई आप ऐसे ग्रामर की कोई बुक सजेस्ट करेंगे जिसको हमको थोड़ा बेसिक पढ़ना पड़े अगर, तो कुछ सब करेंगे, दे सकते हैं? हम कक्षा में भी सब करेंगे, और कक्षा में आप मैं कुछ पुस्तकें भी बता दूंगा जो हम लोग वैसे उपयोग भी करते हैं, और बाकी सारे जो जो भी विद्यार्थी हैं वो लोग भी अपने अपने लिए रखते हैं उन किताबों को साथ में, मैं दिखा दूंगा, मेरे पास रखी भी हुई है, मैं वीडियो में भी दिखा दूंगा, और नाम और लिंक विंक कहाँ से लेना कैसे लेना वो सब भी बता दूंगा। और संस्कृत की इतनी सस्ती सस्ती पुस्तकें हैं कि मतलब भरोसा ही नहीं होता कि इतनी सस्ते में कोई कैसे दे सकता है। सर, इसके प्रचार प्रसार के लिए जरूरी है। हाँ, आवश्यक है, और हम लोग लें और उसका उपयोग करें। हम लोग क्या करते हैं कि एक पुस्तक है जो शब्दकोश है संस्कृत के, वो एक हिंदी से संस्कृत वाला शब्दकोश है, वो 50 रुपए का है शायद, और अंग्रेजी से संस्कृत, इंग्लिश टू संस्कृत वाला शब्दकोश है, दैट इज 25 रुपीज। तो टोटल 75 रुपीज में यू गेट 2 डिक्शनरीज ऑफ हिंदी टू संस्कृत एंड इंग्लिश टू संस्कृत। So it is amazing. मतलब you cannot believe कि this can happen. And there is one book which is called Speak Sanskrit Quickly. So it's like जैसे आपको कभी किसी दूसरे देश जाना है, you want to visit let's say China. And look, let's not talk about China. You let's say you want to visit France. So you want to learn a little bit of French because you are going there for a week. So you would have seen some books here and there. आपने कभी किताबें देखी होंगी ऐसी जिसमें थैंक यू कैसे बोलना है, सॉरी कैसे बोलना है, कि कुछ खाना कैसे पूछना है, छोटे मोटे ऐसे वाक्य लिखे रहते हैं। तो वैसी एक संस्कृतम वदतु करके बुक है जिसमें इस तरह के लगभग ऑलमोस्ट 200 से ऑलमोस्ट 400-500 ऐसे वाक्य होंगे जो कॉमन मतलब आम उपयोग में आते हैं, और वो सिर्फ 5 रुपए की है।
आप भरोसा भी नहीं कर सकते कि 5 रुपए में इतना सारा मटेरियल कोई कैसे दे सकता है। तो हम जब भी अपने कोई भी पुस्तकें मंगाते हैं ना, जैसे शब्दकोश है या कुछ भी, तो ये 5 रुपए वाली हम 5-6 ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि वो छोटी सी बुकलेट जैसी रहती है और उसको आप अपने मित्रों को किसी को भी गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो 5-5 रुपए की 5 भी ली तो वो 25 रुपए में इतनी 5 आ जाती है। तो मैं बताऊंगा, वो कक्षा में भी आपको दिखा दूंगा वो सब चीजें, तो समझ में आ जाएगा। अधिकतर हम संस्कृत भारती से लेते हैं, तो संस्कृत भारती यदि आप एक्सप्लोर करना चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, पर 4 बजे हमारी कक्षा है। जी हाँ, आप बेस्ड ऑन मुंबई हैं? मैं वैसे पुणे में रहता हूँ, मूलतः भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ, और वैसे क्या फर्क पड़ता है। भोपाल से, मैं भी भोपाल से हूँ, मुझे इसीलिए लगा। तो बड़ी खुशी की बात है, आपको मेरी हिंदी भाषा की शुद्धता देख के शायद लगा होगा कि ये पक्का मध्य प्रदेश के आसपास के लग रहे हैं। इसलिए पूछा मैंने। मैं भोपाल गवर्नमेंट हमीदिया कॉलेज में प्रोफेसर हूँ सर, ज्योग्राफी की। अरे वाह, तो बढ़िया है, हम बातें कर, अब तो आप सब लोग जुड़ ही रहे हैं तो अच्छी बात है। हम लोग और बातें करेंगे, जब जिसको जब आवश्यकता हो हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। चलिए, तो मैंने बस यही सोचा था कि आधा घंटा 20 मिनट लगभग हम लोग, जिसको भी जो प्रश्न है, कुछ भी प्रश्न है आपको, और भी कोई प्रश्न है किसी को भी तो पूछ लीजिए, वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव। प्रवीण राय जी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इंग्लिश और हिंदी, वेन एवर यू हैव एनीथिंग जस्ट bring it up and we will resolve it. ठीक है, धन्यवाद जी। चलिए, नमस्कार, नमो नमः, सर्वेषां नमो नमः। ये संस्कृत का आज का पहला पाठ है। सर्वेषां नमो नमः मतलब सर्वेषां नमो नमः। सर्वेषां नमो नमः। नमो नमः, सर्वेषां नमो नमः। चलिए, नमस्कार। थैंक यू सर।